1947 में इस देश का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था, और धार्मिक आधार पर जब देश का विभाजन हुआ तो एक राष्ट्र बना पाकिस्तान, जो कि इस्लामिक राष्ट्र बना। तो जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है और यह हिंदुस्तान है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यह संवैधानिक रूप से यह घोषणा हो जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है एवं इसके साथ ही राष्ट्रवाद को भी संविधान में शामिल किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवाद के की मर्यादा में चले, इसलिए राष्ट्रवाद को भी संविधान में शामिल किया जाए। इस विषय को ऊपर तक, महामहिम राष्ट्रपति जी तक, प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमने आज यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर धरने की हम धरने मंगलवार से हम लोग धरने पर बैठने वाले हैं, उस धरने की मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। किस विषय को लेकर धरना? इसी विषय को लेकर आपका धरना रहेगा? हाँ, इसी विषय को लेकर धरना रहेगा कि शीघ्र ही भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए एवं राष्ट्रवाद को भी संविधान के अंदर शामिल किया जाए, ताकि राष्ट्र में, देश में ये बार बार जो अराजक शक्तियाँ जो खड़ी हो जाती है और देश को खंडित करने के लिए नाना प्रकार के आयाम लेके खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रहित में CAA जो बिल, जो एक्ट लाया गया है, ये एक्ट नागरिकता देने का एक्ट है, किसी की नागरिकता लेने का कोई विषय नहीं है, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है, बार बार देश में अराजकताएँ फैलाई जा रही है। भाई, पाकिस्तान में हमारा रहने वाला हिंदू, बांग्लादेश में रहने वाले अगर कोई चार भाई थे, वो चार में से तीन भाइयों की अगर हत्या कर दी गई, मार दिया गया, छीन लिया गया, चौथा अगर अपने आप को, अपने परिवार को बचा के भारत में आया है, तो भाई उसको शरण देना कहाँ की गलत बात हो गई? वो कहाँ जाएगा? उसके लिए भारत नहीं तो दूसरा कौन सा देश ऐसा खुला है जो वहाँ पर जाएगा? और यह जिसको देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो धार्मिक आधार पर पाकिस्तान ले ही लिया है, तो उन घुसपैठियों को हम अपने देश में कैसे शरण दे दें? इसलिए जैसे CAA एक्ट है, जो भारत में शरणार्थी आए हैं, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, उनको देने का एक्ट है, तो बार बार के ये झंझट खत्म हो, भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, राष्ट्रवाद संविधान के अंदर आए, इस मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठने वाले हैं।